पांच जीन्स मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ मिंत्रा से, एंड कुछ इस टाइप के जीन्सेस अलग अलग है। मिंत्रा का वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, मिंत्रा पे अभी सेल चल रही है, सेल आज लास्ट है, 12th आज लास्ट डेट है, यस आज सेल लास्ट है, फैशन कार्निवल सेल चल रही है, फटाफट जाके शॉपिंग करना क्योंकि उसमें 50-80% ऑफ है। पूरे वीडियो को जरूर देखना एंड ये सारे जीन्सेस आज मैं रिव्यू करूंगी। आप सेल में ले सको और आज लास्ट डे है तो शॉपिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर इतने डिस्काउंटेड प्राइस में आपको लेना है। तो जो प्राइस रेंज है मैं आपको बता दूं, प्राइस रेंज आपको मिलेगा 700 to 900 ओनली, इन दोनों प्राइस रेंज के अंदर ही आपको मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा है, बजट में है, अंडर ₹900 का सारा जीन्स मैंने कवर किया है। तो पूरे वीडियो में बने रहे एंड आपके सामने ही मैं ओपन करूंगी। तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन जो कि है ये मार्टिन हार्बर का ये वाला जीन्स। तो ये मार्टिन हार्बर का स्लाउज फिट जीन्स है, ये चेक करते हैं एंड सबसे अच्छी बात है ये लाइट फिट चारकोल कलर का है, स्ट्रेचेबल जीन्स है ये, इसकी यहाँ पे बिल्कुल आप स्ट्रेचेबिलिटी देखो, ये तो पहनने के बाद वैसे पता चलेगा, बाकी अभी ये देख लो, कलर वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 2000 का है, बट ये मुझे मिला है ओनली फॉर ₹879 का, तो इट्स अ ग्रेट डील। और ये जीन्स नॉर्मल लूज फिट टाइप का है, आप इसको ट्राई करते हैं फिर बताते हैं, बहुत सही लग रहा है जीन्स, क्वालिटी वाइज कलर वाइज आई थिंक बहुत परफेक्ट जीन्स है। अगर इस टाइप के आप जीन्स ढूंढ रहे हो तो आप आराम से ले सकते हो, जैसे मेरे को ना एकदम बिल्कुल जो पेट दब जाता है वैसे वाले जीन्स नहीं पसंद है, स्ट्रेचेबल है तो कंफर्ट है, आपको बेल्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्राइस रेंज के अगर हिसाब से देखा जाए 800 समथिंग में तो आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट जीन्स मिल रहा है, कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है, अगर आपके कलेक्शन में चारकोल कलर नहीं है ना यू शुड डेफिनेटली एड दिस वन, क्योंकि प्राइस एंड क्वालिटी एंड लुक जस्ट ऑसम और बहुत ज्यादा प्यारा लुक देगा, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। आप देखा जाए तो इसकी लेंथ देख लो एंकल तक हो रही है, एंकल तक इसकी लेंथ है एंड कोई बिल्कुल ऐसा बॉडी हगिंग टाइप का जीन्स नहीं है जिससे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो, बिल्कुल वैसा नहीं, बहुत ही कंफर्ट का जीन्स है, स्ट्रेचेबल जीन्स का यही तो फायदा होता है, बट डिपेंड किस टाइप का जीन्स है एंड मार्टिन हार्बर का जीन्स इतना अच्छा आएगा नेवर एक्सपेक्टेड, बट काफी अच्छा आया, तो चलो फटाफट दूसरा दिखाते हैं। सो आई होप आपको ये जीन्स अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जीन्स है जॉगर्स है ये एंड इसकी अगर बात करूं तो वाओ फैब्रिक तो काफी अच्छी है, कॉटन की है, यस कलर काफी, एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर चाकोल कलर डार्क कलर्स होते हैं ना बड़े प्यारे होते हैं यार, ये ऑल अबाउट यू का है, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2399 का, बट आपको ये मिलेगा ओनली फॉर 887 का, तो इसका प्राइस भी काफी अच्छा है, नॉन स्ट्रेचेबल है क्योंकि जॉगर्स वैसे भी ज्यादा मैक्सिमम आई गेस नॉन स्ट्रेचेबल ही होते हैं, तो नॉन स्ट्रेचेबल है बट फैब्रिक कॉटन की है, तो उसको ट्राई करना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा लगने वाला है, लुक कैसा आने वाला है, बट मुझे ओवरऑल ये काफी ज्यादा अच्छी लगी है। नीचे इलास्टिक है, ओके थोड़ा सा इलास्टिक है, ज्यादा भी नहीं स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। अगर पॉकेट वगैरह की बात करें तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 पॉकेट है इसमें, जिप वगैरह बटन वगैरह कुछ नहीं है, तो चलो ट्राई करते हैं। ये जॉगर्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये इलास्टिक दी हुई है, यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी एंड ये हाई राइज आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई राइज है, अगर आपको और भी क्रॉप टॉप पहनना है, ब्रालेट टॉप्स वगैरह पहनना है तो इसके साथ आराम से पहन सकते हो, बट ऐसे ना जॉगर्स वगैरह के साथ स्किन फिट टैंक टॉप वगैरह बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ एंकल से भी लेंथ चेक कर सकते हो, एंकल से थोड़ा ऊपर है, जिन्हें एंकल लेंथ से ऊपर या एंकल लेंथ टाइप के जीन्स पसंद है, जॉगर्स पसंद है, पैंट्स पसंद है, तो ये ऑप्शन में ऑप्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर ₹889 में आपको बहुत ही प्यारा से ये जॉगर पैंट मिल रहा है। ये ट्रैवलिंग के लिए आई थिंक बेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पॉकेट भी काफी स्पेशियस है, फोन आराम से रख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल रही है बट पॉकेट में कोई बटन वगैरह नहीं है, नॉर्मल ओपन पॉकेट है, तो सेफ्टी का बिल्कुल भी मसला, वो आपके ऊपर आप ध्यान रखना है, तो आराम से जो चीजें रखना चाहते हो, 4 पॉकेट्स आपको मिल रही है जॉगर्स में, काफी अच्छा लग रहा है, फिटिंग वगैरह फैब्रिक काफी कंफर्टेबल है, ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है एंड हम जैसे ट्रैवलिंग इतना अगर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो एंड अलग अलग फोटोज लेना होता है या कुछ डिफरेंट डिफरेंट हमेशा पहनना का मन करता है या लगता है कि नहीं थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट दिस वन, कॉटन आई थिंक सबसे बेस्ट फैब्रिक होता है ट्रैवल करने के लिए, समर्स में तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इसको रेटिंग दे रही हूँ 10 out of 10, तो मुझे काफी अच्छा लगा। चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट जीन्स की बात करते हैं, टोक्यो टॉकीज की मैंने ये जीन्स ली है, ये हाई राइज जीन्स है, यस ये हाई राइज जीन्स है और
इसका जो प्राइस है वो है 21.99 का, बट गाइज ये आपको मिलेगा ओनली 599 रुपीज में, तो बहुत ही सही डील में आपको ये मिल रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब दिस। लेकिन बात करते हैं पहले फिटिंग वगैरह की, कंफर्ट की, तो उसमें भी बात करेंगे। ये स्ट्रेट फिट में है, डिस्ट्रेस जीन्स है, आप इसको चेक करो, नॉन स्ट्रेचेबल जीन्स है। एंड यहाँ पे लिखा तो आई थिंक हाई राइज है क्या कि मिड राइज है, लेट मी चेक, ये हाई राइज है कि मिड राइज, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार पहन के फिर जज करते कि ये कैसा है। तो लेट मी स्टार्ट। ये जीन्स मैं पहन के आ गई हूँ टोक्यो डॉग्स का, एंड साइज की बात में थोड़ी टमी है तो मुझे उस हिसाब से एक साइज प्लस लेना था, बाकी ओवरऑल मुझे जीन्स तो अच्छी लग रही है। कम्फर्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि टाइट है, सफोकेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने 32 लिया है इस पे एंड उसके हिसाब से मुझे 34 लेना पड़ेगा। पॉकेट तो मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगी इसका, बैक पॉकेट बहुत ज्यादा टाइट है, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर हाथ भी नहीं जा रही। एंड अगर लुक वाइज और कंफर्ट की बात करेंगे तो अच्छी है, क्योंकि स्ट्रेट फिट में एक साइज प्लस ही लेना सही रहता है, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेट कमर के साथ पूरी स्ट्रेट हो जाती है, थोड़ी मॉम वाली की होती है ना, इजीली हो जाती है, थोड़ी कर्व होती है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट फिट है, तो इसमें एक साइज प्लस लेना। अगर आप 30 पहनते हो तो 32 आराम से ले सकते हो। कंफर्ट क्वालिटी जो जीन्स की आप अगर मैं बोलूं तो 10 out of 10। लेंथ वाइज मुझे परफेक्ट लगी, एंकल से थोड़ा सा नीचे, एंकल तक ही आ रहा है, नहीं एंकल से थोड़ा सा नीचे, एंड बस वही है, कंफर्ट नहीं है। कलर लुक वाइज मुझे काफी ज्यादा परफेक्ट स्टाइलिश जीन्स लगी है, आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो, क्योंकि आप देखो ब्रांड टू ब्रांड तो इतना फर्क हो जाता है साइज वाइज का, तो वो थोड़ा आप चेक कर लेना। बाकी तो मुझे क्यूट लगी है, मैं दूसरा पहन के आती हूँ यार। नेक्स्ट जीन्स है एक जून बेरी का लिया है, आई थिंक ये ब्रांड मैंने पहली बार परचेस किया, ओ माई गॉड फैब्रिक इज सो कम्फर्टेबल यार, आह। तो ये जिसकी 2000 की, बट आपको मिलेगी 800 समथिंग में, क्योंकि मैं लाई हूँ और मैं ज्यादातर मतलब वो चीजें ही लाती हूँ जो काफी ज्यादा ऑफर में होती है, जो कंफर्टेबल हो, पब्लिक अच्छे से देख सके, खुश हो सके, तो उनके हिसाब से। ये जीन्स है गाइस, हाई राइज जीन्स है ये, एंड मुझे वही चेक करना है, बाकी कम्फर्ट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको स्लिट मिल रही है, यहाँ पे जो नीचे आपको यहाँ पे स्टेप कफ दिख रहा है, ये देखो कुछ चेक करो, काफी ज्यादा मुझे सही लगा है, ये लुक मुझे अच्छा लगा। ये फेड ब्लैक कलर है, बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है, फेडेड ब्लैक कलर है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम लगता है, आप इसको अच्छे से चेक करो। रिलैक्स फिट क्रॉप जीन्स है ये, एंड वही पहन के देखना है कम्फर्ट वम्फर्ट कैसा है, तो चले ट्राई करें। मेंशन नहीं था स्ट्रेचेबल है कि नॉन स्ट्रेचेबल, या होगा तो शायद मैंने मिस कर दिया होगा, बट ये जीन्स स्ट्रेचेबल है काफी ज्यादा। ये जो नीचे जो स्लेट बनी है भाई साहब, बड़ा मजा आ रहा है इसको देख के, बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये स्लेट, मुझे काफी प्यारा लग रहा है, बोथ द साइड आपको स्लेट मिल रही है। एंड कंफर्ट वाइज 10 out of 10, लुक वाइज 10 out of 10, ये क्रॉप जीन्स है गाइज, एंड ये हाई राइज है, इस टाइप में आराम से टैंटॉप वगैरह पहन सकते हो, बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। आगे पीछे बात करेंगे, यहाँ पे मेरे को 2 पॉकेट मिल रही है, फ्रंट में भी आपको 2 पॉकेट मिल रही है, 2 पॉकेट तो फ्रंट में होती है, बाकी मुझे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, कंफर्ट है, मुझे तो स्ट्रेचेबल जीन्स से प्यार हो गया है, मैंने इतना नोटिस नहीं करा था, बट हाँ कोई बात नहीं। ये एक्चुअली ब्रांड ही मैंने पहली बार ट्राई किया, जून बेरी जो भी है ब्रांड, तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड, बड़ा मजा सा आ रहा है मुझे। तो आप मुझे बताओ आपको ये जीन्स कैसी लगी, ना आज के कलेक्शन में आप कौन सा जीन्स लेना पसंद करोगे, मैं दूसरा दिखाती हूँ। वो टोक्यो डॉग्स का है, ये लास्ट है अभी आज का हॉल का, मेरे वीडियो का लास्ट नहीं है, आज के हॉल का लास्ट जीन्स है। तो गाइज इसका प्राइस है 2100, बट आपको मेरे वीडियो के थ्रू 749 में मिलेगा, क्योंकि मिंत्रा ने अभी डिस्काउंट चला दिया। खैर चलो, तो ये मुझे हैवी फिटेड जीन्स है, बिल्कुल एकदम ब्लू जीन्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रेस है, मिड राइज जीन्स लग रहा है मुझे, बट पहनने के बाद पता चलेगा, वैसे मेंशनड है मिड राइज जीन्स, तो ये काफी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर भी फ्रंट में 2 पॉकेट, बैक में 2 पॉकेट, अब ये कहेंगे कि भैया ये तो ऐसे कह रही है जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि जीन्स में फ्रंट में 2 पॉकेट होता है, बैक में 2 पॉकेट, मैंने फिर से बता दिया, शायद कोई भूल जाता है ना, एंड ये रेगुलर फिट जीन्स है गाइज, तो मुझे तो काफी प्यारा सा लग तो रहा है। कलर मुझे ओके लग रहा है, क्योंकि ना मुझे अब कलर मुझे इतना पसंद, मतलब जीन्स में मैं ना बहुत ही ज्यादा चूजी हो जाती हूँ, ये बहुत ज्यादा, बाकी कोई ना, बाकी कंफर्ट वगैरह तो क्वालिटी मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी पहन के पता चलेगा कि कंफर्ट है कि नहीं, तो आपको भी तो जानना होगा कि ये कैसा है। बट अगर प्राइस देखा जाए तो 700 आई थिंक बेस्ट डील होता है यार, आज का हॉल तो पूरा 700, 800, 900 के ऊपर एक भी जीन्स नहीं होगा। अब मुझे कल मत बात करना कि भैया 1000 का जीन्स हो गया, क्योंकि भैया प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकती। अगर आपको आज दिख रहा है 700, जस्ट बाय इट इमीडिएटली, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है गाइस, तो इसीलिए। एंड जीन्स ऐसे है ना, हमें थोड़ा आजकल आपको पता है तो बहुत फैशन चल गया है इस टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स पहनने का, तो अगर जीन्स थोड़ा 1000 रुपीज में अंदर होते ना, तो क्या होता है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जीन्स के साथ, एंड चाहे वो ब्रांड हो या कुछ भी हो, ब्लैक कलर्स मैक्सिमम आई गेस फेड हो जाता है, एंड मैं ब्लैक कलर तो ऑब्वियसली अवॉइड करती हूँ, ज्यादा वॉश
कम करूं, मतलब ज्यादा वॉश ना करूं, इससे क्या होता है ना, जो ब्लैक कलर जो फेड होने का चांसेस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और 1000 रुपए की जीन्स थोड़ी सी लंबी चली जाती है अच्छे टाइम के, मतलब अच्छा यूज कर सकते हो। तो इससे क्या अफोर्डेबल जीन्स आप आराम से पिक कर सकते हो। तो चलो बहुत ज्यादा बातें कर लेंगे, दिखाते हैं। तो ये है वो लास्ट वाली टोक्यो टॉकीज की जीन्स। तो आई गेस टोक्यो टॉकीज की जीन्स हमें एक साइज प्लस ही लेनी है। ये भी मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, टाइट इन द सेंस कि अगर मैं बैठूंगी तो मेरा पेट दब जाएगा, मैं नहीं चाहती मेरा पेट दबे, तो इसलिए आप एक साइज बड़ा ले लेना। मैं इसको एक्सचेंज पे 34 ले लूंगी। तो टोक्यो टॉकीज का मैं जब भी लूंगी, याद रखो मैं जा रही हूँ, डायरी में मेंशन कर दूंगी कि टोक्यो टॉकीज का जब लेना है तो एक साइज प्लस लेना। बाकी कंफर्ट बहुत अच्छा है, फैब्रिक यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 700 में भी इतना अच्छा जीन्स आ सकता है, बाकी काफी अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड। ये वाला डिस्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा घुटने के पास, तो ये ऐसे काफी प्यारा लगता है। हाँ अभी मेरे भाई होता ना, तो मेरा भाई पता क्या बोलता कि बहन ये नी वाला सिलवाल है तभी तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आई थिंक हम लड़कियों के लिए पता नहीं क्यों मेंशन करते हैं, हम भाई लोग ज्यादा चढ़ाते हैं। तो बैक में भी आपको दो पॉकेट मिल रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा यार, कंफर्ट वाइज लुक वाइज सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यू शुड डेफिनेटली पिक दिस वन, बट एक साइज ज्यादा कर। गाइस ये थे मेरे आज के कलेक्शन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप सेल में ये सारी चीजें परचेस करना चाहते हो तो अभी सेल चल रही है, ये ना मॉनसून के लिए सेल स्टार्ट हुआ था, तो ये बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए। फटाफट जाओ शॉपिंग करना स्टार्ट करो, लेट बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे रेट पे सारी चीजें मिल जाए। आज का हॉल 700 to 900 का था, आपको अच्छे से पता है। तो अगर बजट में आप कुछ ढूंढ रहे हो या और कुछ आपके दिमाग में है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जाके कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। वैसे मैं मिंत्रा का नेक्स्ट ड्रेसेस लाने वाली हूँ, काफी लोगों का बर्थडे आने वाला है, आई थिंक सावन के बाद बहुत ज्यादा बर्थडे आने स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब बर्थडे के लिए कुछ ड्रेसेस बना दिया जाए, उससे पहले मतलब कमेंट आने से पहले मैं बना देती हूँ। तो बजट में ही सारा मैं बनाऊंगी, अब मैं सोच के रखी हूँ कि बजट में एंड नेक्स्ट गिव अवे भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई थिंक लास्ट वीक और इस मंथ का लास्ट वीक में मैं गिव अवे कर दूंगी, तो मिस बिल्कुल भी मत करना मेरे वीडियो को, हमेशा देखते रहो। और ये पूरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो पे अभी जाके कमेंट करके बताओ आज में से आपका दिमाग में कौन सा खरीदने का मन है और कौन सा लेने का सोच रहे हो या और कौन सा आपको चाहिए। और कमेंट सेक्शन खुला है। बाय बाय।